दोस्तों, मेरे एक दर्शक का काफी जेन्युइन सवाल था कि वो अपने ग्राहक को जो दवा देते हैं, उनका एक पड़ोसी है, वो उस कस्टमर को बुला करके वो दवाएं चेक करता है, उनके कस्टमर से बातचीत करता है और मतलब उनके कस्टमर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो मैं बिजनेस का एक रूल बनाना चाहता हूँ आपको कि अगर कोई कस्टमर किसी के काउंटर पर खड़ा है तो आप तब तक उस कस्टमर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, कभी भी छेड़खानी ना करें। जब वो कस्टमर किसी और के काउंटर पे है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उससे कोई बदतमीजी ना करें, उसको बुलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये मैनर में नहीं आता है। जब वो कस्टमर उनके काउंटर से असंतुष्ट होकर आपके काउंटर पे आ जाता है तो आप उसको दवाइयाँ दें, जो भी बात करनी ही करें, लेकिन अगर कोई किसी दूसरे कस्टमर काउंटर पे खड़ा है, आप उसको अपने तरफ खींचने का प्रयास एटलीस्ट उस समय ना करें। ये बिजनेस का एक नियम है, ये बिजनेस का सिद्धांत होता है। लेकिन अगर आपका कस्टमर ऐसा करता है, आपके कस्टमर को बुला करके दवा चेक करता है, तो सीधी और सिंपल भाषा में इसे उद्दंडता कही जाती है। आप एक दो बार बर्दाश्त करें, दो बार तीन बार देखें, इसके बाद आपको करना ये है कि आप जाएं सीधे उस दुकानदार से, बड़े ही मोहब्बत से, बड़े ही प्यार से बात करें कि भाई, मैं देख रहा हूं कि आप मेरे कस्टमर को बुला रहे हैं और बार बार आप उसकी दवा चेक कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे का माजरा क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपका इसके पीछे इंटेंशन क्या है। देखिए, आप भी दुकान खोले हैं, धंधे के लिए बैठे हैं और मैं भी धंधे के लिए बैठा हूँ, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए कि आपको भी नुकसान हो, मुझे नुकसान हो। आप उसे ओपन एक प्रकार से रिक्वेस्ट करके बोलें कि सर ऐसा प्लीज मत करो यार, क्योंकि मेरा नुकसान होता है। अगर वो इंसान समझदार होगा तो वो उसको करना बंद कर देगा, लेकिन आपके समझाने के बाद, आपके रिक्वेस्ट करने के बाद फिर से नहीं मानता है, तो आप उसको थोड़ा सा और हार्ड होकर कि बोले कि भाई, ये मेरी, मैंने आपको पिछली बार समझाया था, इस बार मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आप दोबारा ऐसा करते हैं तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। अगर फिर भी वो ऐसा करते हैं तो आप अपने यूनियन में जाए, वहां पर बात करें और वहां पर चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। मैं आपको झगड़ा करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको मारपीट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको उस दुकानदार से जाकर के बात करनी चाहिए कि भाई, आप ऐसा मत करें, मेरा नुकसान होता है, मैं आपके कस्टमर को नहीं टच करूंगा और आप मेरे कस्टमर को ना टच करें। इस तरीके से अगर आप बात करें तो शायद चीजें शॉर्ट आउट हो जाएं और ये उद्दंडता बंद हो जाए। देखिए क्या होता है, जब आदमी कभी कभी कुछ नहीं बोलता है तो लोगों को लगता है कि ये कमजोर है। मैं आपको लगे हाथ बता दूं कि एक कमजोर और एक सीधे इंसान में क्या फर्क होता है। कमजोर इंसान के पास क्या होता है कि उसके पास क्षमता ही नहीं है, तो उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है सीधा बनने के अलावा। लेकिन जो सीधा होता है, वो चाहे तो 1 मिनट में इंसान को उठा करके पटक दे, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर रहा है, वो पटक नहीं रहा है, उसको बोलते हैं सीधा। तो ये सीधा और कमजोर के डेफिनेशन है। आप सीधा बने रहिए, बट कमजोर अगर आपको समझे तो आपको एक बार जा करके पहल करनी चाहिए। रामायण में भी कहा गया है कि भगवान श्री राम को जब श्रीलंका जाना था सीता मैया को लेने के लिए, तो उन्होंने 3 दिन लगातार समुद्र देवता की पूजा अर्चना की, यज्ञ किया, समुद्र देवता से रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज हमें जाने दें, हमें लंका जाना है, सीता मैया को लाना है। लेकिन 3 दिन लगातार यज्ञ करने के बाद भी जब समुद्र का ने अपना हठ नहीं छोड़ा, तो भगवान श्री राम को भी धनुष उठाना पड़ा था। श्री राम ने लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ, मार के एक तीर सुखा लेता हूँ समुद्र को। उसको लगता है कि घमंड हो गया है। तो जब भगवान श्री राम ने भी धनुष उठा लिया था, तो हम तो सिर्फ उनके अनुयायी हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप झगड़ा लड़ाई मत करें, बट एटलीस्ट उस बात के खिलाफ अपनी आवाज को उठाएं। आशा करता हूं कि मैं जो आपको समझाना चाहता था वो बात आप तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुंच गई हो और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगा। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। फिलहाल अभी तक मेरे साथ बने रहेंगे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।